बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, सबसे पहले आगंतुक भाई बहनों का अभिवादन करता हूं। बन्नो, एक सज्जन मुझसे एक प्रश्न किए, कहा गुरुदेव आप स्वयं कहते हैं कि बड़े बड़े धुरंधरों को, बड़े बड़े तपस्वियों को कालपुरुष ने कस दिया, किसी का तप नहीं रहने दिया, किसी का योग और सत्य पर नहीं चलने दिया, तो बपरे कलयुग के प्राणी की क्या औकात है इन पर नियंत्रण कर सके। गोरख अटके कालपुरुष कौन कहावे सहा। गोरखनाथ जैसी विभूतियां योगेश्वर थे, अटके कौन कहावे सहा। आपके प्रवचनों में आता है पराशर ऋषि हजारों साल तप करके तब भी उलझ गए। श्रृंगी ऋषि का आप वृतांत देते हैं, काफी वृतांत देते हैं आप, तो भला हम कलयुग के जीव कैसे हम संसार से पार हो सकते हैं, क्या स्मरण करें, क्या ध्यान करें। उसकी सोच थोड़ी नेगेटिव थी। मैंने कहा उनका मन बड़ा शातिर है, अगर आप मेरे प्रवचन को गंभीरता से सुनेंगे तो इसमें मैं मन और नाम, गुरु और सतलोक, सुरति, इन पर ज्यादा बोलता हूं। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहब। हे गुरुवर, तो हम कलयुग में कैसे पार हो जाए। मैंने कहा आपके अंदर नाम की एक ताकत आई है, उस ताकत से आप संसार से पार होंगे। वो ताकत आपके साथ रहेगी, आपको क्या करना है वो सुने। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, नाम के बाद आप अपने अंदर अमूल चूक परिवर्तन देख रहे हैं। ये हुआ, नाम के बाद आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन हुआ। साहब ने हजारों जगह इसका उल्लेख किया है। भाई घोड़ा है, अगर घोड़े पर नकेल नहीं है उसमें बड़ी ताकत है। तगड़े आदमी को भी पलटी देकर के गिरा देगा, लेकिन लगाम है तो फिर उसकी ताकत नहीं चलती है, काबू में आ जाता है। हजारों जगह पर तो साहब बोले हैं ना, नाम होए तो मात न वावे। नाम होए तो मात न वावे, ना तो ये मन बांध न चावे। नाम की ताकत साथ होने के बाद मन का जोर नहीं चलता है। इस समय आप महाकली काल में जी रहे हैं, इस समय आप महाकली काल में जी रहे हैं। इतना पाप बढ़ गया, इतना छल कपट इतनी बढ़ गई, धोखाधड़ी बढ़ गई, झूठ बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। अगर आप व्यंग दृष्टि से अवलोकन करेंगे तो आप इन सब चीजों पर आपका नियंत्रण है, तो ये किससे है।
आपने तो इतनी बड़ी तपस्या की नहीं है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, आप केवल नाम लेने के बाद नियमों का पालन करना, आप केवल नियमों का पालन करना और थोड़ा स्मरण बहुत सुख जो कर जाने को है। आपको अनुभव होगा कि आपके साथ एक ताकत काम कर रही है, आप बाकी दुनिया के लोगों से मजबूत है। इस मजबूती का एक कारण बताता हूं, आपका अंतःकरण जागरूक है, आपके साथ एक सिस्टम सेट है। पुराने जमाने में जब लोग कहीं जाते थे शहर में या कहीं रिश्तेदारी में, तो जगह जगह पता पूछते जाते थे। मैं अपनी बात बताता हूं, सन 70 में, आज से 54 साल पहले, मैं दिल्ली गया, सेना में था, छुट्टी थी, तो रास्ते में दिल्ली से ट्रेन बदलनी थी, तो ट्रेन शाम को थी, मैं सुबह ही पहुंच गया दिल्ली। मैंने विचार किया कि थोड़ा दिल्ली घूमते हैं, मैंने एक आदमी से पूछा, भैया लाल किला कहाँ है, किस तरफ है? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी, ऐसे चला गया जैसे कोई मतलब नहीं है। गांव देहात में आदमी जब किसी का कोई पता पूछता है, मांगता है, तो पता है क्या करते हैं? उसको पूरा गाइड करते हैं। उदाहरण के लिए कोई नगरी में जाकर पूछे, भैया पांडे जी का घर कहाँ है, तो आप जानते हैं, उसको गांव का आदमी पूरा पूरा बताएगा, हो सकता है साथ में भी चले, उसको पूरा बता देगा। लेकिन दिल्ली में वो आदमी मेरी बात अनसुनी करके चल पड़ा। मैंने दिल में सोचा, चलो ये अपनी धुन का आदमी है। मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा, भाई लाल किला किधर है? वो भी अनसुनी करके चल पड़ा। ऐसे 3-4 आदमी से मैंने पूछा, कोई ध्यान नहीं दिया और अनसुनी करके चले गए। उसके बाद मैं अगले आदमी से जब पूछा, तो उसके आगे ही खड़ा हो गया। मैं कहा, इसको जाने नहीं देना, इसे पूछना है। मैंने कहा, भाई लाल किला कहाँ है? वो भी जाने की कोशिश कर रहा, मैं उसको जाने नहीं दिया, आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा, एक बात बताओ, क्या दिल्ली के लोगों को मां जन्म लेने के साथ भुट्टी पिलाती है क्या, किसी को बताना नहीं रास्ता? उसने कहा, बाबूजी पहली बार दिल्ली आए हो? मैं बोला हाँ। बोला, अगर हम लोगों को रास्ता बताएंगे, शाम तक भी घर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत आदमी घूमने आते हैं। अब लाल किले का आप रास्ता पूछ रहे हैं, बीच में 10 चौराहे हैं। अब आपको बोलूंगा, यहां से पहले जाओ, ये चौराहा आएगा, फिर ऐसे बाएं घूमना,
फिर वहां से 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर और चौराहा आएगा, उस चौराहे से देने घूम जाना। इस तरह 10 चौराहे का वर्णन करूंगा तो मुझे 5-6 मिनट लगेंगे, और आप बीच बीच में पूछेंगे भूल जाएंगे। और आपको मैं बताने के बाद अगर चलूंगा तो 10-20 कदम पर एक और मिल जाएगा आदमी, क्योंकि दिल्ली घूमने बहुत लोग आते हैं। मैं शाम को भी घर नहीं पहुंचूंगा। ओ मैंने कहा ये बात है, पर आजकल क्या है एक सिस्टम मैंने देखा, पूरा विश्व घूमता हूं, बस वहां आप हाउस नंबर बता दो 35 स्ट्रीट सो नेविगेटर लगाए, ड्राइवर सीधा उस घर में ले जाके खड़ा करेगा आपको जहां जाना है, एक से भी नहीं पूछेगा। नहीं तो बेचारा ड्राइवर भी गाड़ी खड़ी करके बार बार पूछता था, यानी नेविगेटर लगाए। नामदान के बाद आपके साथ एक ताकत काम कर रही है, आपको सभी दिशाएं देती जा रही है। अगर आप में आमूलचूल परिवर्तन हुआ तो ये कोई आपका ज्ञान नहीं है, ये कोई आपकी तपस्या नहीं है, ये कोई आपकी साधना नहीं है। नाम के बाद एक शक्ति आपके साथ होती है, इसलिए पूर्ण गुरु क्यों कहा, सार नाम गुरु बिन नहीं पाए, पूरा गुरु अकै समझाए। अब वो सार नाम क्या है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, भाई वो लिखने कैन सुनन से ना रहे। नाम पर तो साहब ने बड़ी फिलॉसफी कही है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम वे गुप्त है भूषण बिरला को है। वो अति सूक्ष्म ताकत आपके साथ है, ऐसा नहीं है क्या आप उसको नहीं जानते है? जानते हो, पर वो वाणी में नहीं आ सकती। आप कैसे जानते हैं मैं बताऊं, पहुंप बास से पात्रा, जल से अति उतावला, वायु से अति जीन, दोस्त कबीरा कीन। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो कहने सुनने से न्यारा है। अब क्या होता है, जैसे आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, आपका बल नहीं चल रहा है, एकाएक कोई ताकत आपकी उस मुसीबत का समाधान कर देती है। वो सूक्ष्म शक्तियां आपके साथ में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं जानते, जानते हो, पर आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस पर साहब एक बात बोल रहे हैं, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। अब आप गृहस्थ आश्रम में, मैं उसी पॉइंट पर आ जाऊंगा, आपके साथ एक ताकत हमेशा काम कर रही है, अद्भुत नाम सदा रखवाला, पर आपके निमित्त कुछ काम है वो भी सुनना। मैंने एक छोटा सा पंपलेट छपा है, बहुत छोटा। ऐसा क्यों छपाया है वो सुनिए। बाजे इतने बेवकूफ लोग मेरे पास आते हैं,
मुझे कहते हैं नाम लिए 3 साल हुए लेकिन मुझे गुरु मंत्र पता नहीं है। अरे तो तू क्या कर रहा था फिर? सुमरण की विधि पता नहीं है तो तुम क्या कर रहे थे फिर? तुम कर क्या रहे थे फिर? लड़ाई में जाना और बंदूक के साथ नहीं है तो फिर कैसा होगा काम भैया? इसलिए आजकल मैंने एक छोटा पंपलेट बनवाया है, 1 पेज का, एक छोटा सा। और आजकल मैं लोगों को एक बात समझा रहा हूं, आपका मेरा एक संपर्क स्थापित हुआ, गुरु और शिष्य का, उसका आधार क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी, उसके नियम क्या थे, ये समझाऊंगा। आपका मेरा संपर्क जो स्थापित हुआ 6 चीजों पर आधारित था। आप उनको मत भूलना कभी भी। पहला, जब आप मेरे पास आए मैंने आपसे पूछा, आप नाम अपनी इच्छा से ले रहे हैं? आपने कहा हाँ। और उन 6 बातों में पहला मैं आपको बोला, अब ध्यान से सुनिए, कि 7 नियम का पालन करना, सत्य बोलना पहला, दूसरा मांस न खाना, तीसरा नशा न करना, अमल पदारख में पदार्थ जग में जीते, अभक्ष जानकर तजिए थे। दूसरा आपको बोला नशा नहीं करना, पहला सत्य बोलना। अब सत्य के 8 प्रकरण है, सत्य ही बोलना, सत्य ही कर्म करना, सत्य ही संग करना, सत्य ही आहार खाना, सत्य ही व्यवहार रखना, सत्शास्त्रों का ही अध्ययन करना और सत्संगत में रहना। ये 8 अंग है सच के। आपने कहा हाँ ठीक है। दूसरा मैंने आपको कहा किसी भी किस्म का कोई नशा नहीं करना। भाई नशा करके अपने दिमाग को खराब करना, अमल पदार्थ जग में जेते, अमल पदार्थ जग में जेते यानी नशे के जितने भी पदार्थ है, अभक्ष जानकर तजिए थे वो आप नशा नहीं करना। 2 और 3 मैंने आपको कहा परिस्त्री गमन नहीं करना। हर आदमी ब्याह शादी करके घर बनाता है, ये सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, वैचारिक है। अगर स्त्री परपुरुषगामी हो जाए तो घर बर्बाद हो जाएगा, पुरुष परिस्त्रीगामी हो जाए तो भी घर बर्बाद हो जाएगा। अगर स्त्री अपने पति के अतिरिक्त कहीं नहर लगाएगी तो पति छोड़ देता है, विभीषण नहीं होगी। परनारी के रास्ते अवगुण है गुणनाय, रावण के 10 सर गए परनारी के मां। मेरे भाइयों आप इस बात को समझिए, जो पद पदार्थ रानी के वही तो कानी के भी है, कहां गोते लगा रहे हो अपनी नारी तक रहना। 4 कहा किसी भी प्राणी को नहीं मारना और माताओं के लिए अपने पति तक रहना। यही धर्म है जिसमें हिंदू धर्म है, जिसमें सतीत्व और जतित्व का उल्लेख है, बाकी कहीं नहीं है।
इसलिए इस धर्म में ब्याह एक बार होता है। और चौथा आपको बताया अहिंसा, मांस नहीं खाना, किसी भी जीव को नहीं सताना। अहिंसा के भी आठ अंग हैं। पहले किसी जीव को मारना नहीं, दूसरा मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, तीसरा किसी की निंदा न करना, चौथा किसी से राग द्वेष नहीं रखना। किसी से घृणा नहीं करना। सब में तेरा जलवा समा रहा है। बदले की भावना नहीं रखना। मन मिले का मेला ना तो सबसे भला अकेला आदि। और पांचवा बोला चोरी न करना। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। इंसान मेहनत करता है तभी पैसा मिलता है। गाड़ी चलती है जब तुम मेरे भाई हो, फ्यूल कंज्यूम होता है। इस तरह जब आदमी काम करता है तो हमारे बॉडी के सेल टूटते हैं। मैंने हाथ यूं किया, 1000 सेल टूट गए और खून उसको लगातार मेंटेनेंस करता है। इसलिए पैसा किसी का खून है। क्यों खून है? कि उसी पैसे से खून बनता है और खून कंज्यूम होता है काम करने से। इसलिए सावधान, कभी भी चोरी न करना। छठा भाई जुआ न खाना, जुआ न खेलना। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण उनकी दुर्गति हुई। सातवां किसी से धोखाधड़ी बेईमानी नहीं करना। आप सोचे आपसे कोई दगा धोखा करे तो कितने दुखी हो जाते हो। मेरे पास एक आदमी आया, बेचारा सैनिक था। उसने कहा गुरुजी मैंने किसी परिचित से 18 लाख रुपए की जगह ली, वो मैंने पूरी नौकरी में और रिटायरमेंट के बाद जो मुझे धन मिला उससे ले ली, और उसमें फ्रॉड उसकी वो जगह नहीं है। सोचो उसको कितना कष्ट मिला होगा। इसलिए सात नियम का पालन करना। कैसे करोगे? नाम के बाद आपके पास एक आंतरिक रोशनी है। अंधे आदमी का पांव कुठाव पड़ जाए, मेले में पड़ जाए, कोई नहीं बोलता है। लेकिन आंख वाले का पड़ जाए तो सब कहेंगे भैया काहे नहीं देखे। नाम दान के बाद फिर आपको ये पूरे कर्म नहीं करना है। आपके पास अब एक चेतना है, आपके पास एक नेविगेटर लगा हुआ है, आपको वो बताएगा उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जैसे आप पाप करेंगे तो अंतःकरण मलिन होगा। पानी शुद्ध है लेकिन उसमें जब कचरा फेंक देंगे, गंदी चीजें फेंकेंगे, कुंठित हो जाता है। पर पानी अपने मूल रूप को खोता नहीं है। जैसे जैसे आप पाप करेंगे अंतःकरण गंदा हो जाएगा। जब पानी गंदा है उसके अंदर की कोई वस्तु नहीं दिखेगी। आप मेरी बात समझे। ना देख पराई चूपड़ी ना लचाइए जी। अपनी आवश्यकताओं को कम करो, धोखाधड़ी नहीं करो।
पहला तो मैं आपको सात नियम बताए, इन पर चलने के लिए आपके पास ताकत दी। जरूर आपने आपको, आप दुनिया के लोगों से भिन्न समझते होंगे, जहां आप कोई ऐसी गलती करते हैं अंदर से प्रेरणा मिलती है कि गलत हो रहा है। नेविगेटर आपको दिशा दे और आप उल्टा चलें तो नेविगेटर का क्या दोष है? गुरु बेचारा क्या करे जबकि चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। और भक्ति के लिए साहब क्या बात बोल रहे हैं? गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा एक। आपकी भी भूमिका है भैया, इसलिए एक भक्ति करना, श्रद्धा और विश्वास ये बंट नहीं सकते हैं, एक में ही लगेंगे। प्रेम नहीं बंटता। आप क्यों चाहते हैं आपकी पत्नी केवल आपसे प्रेम करे? अगर वो प्रेम एक ही जगह रहेगा, अगर वो किसी अन्य से प्रेम कर रही तो आपसे सिर्फ नाटक करेगी प्रेम का, तो प्रेम बढ़ता नहीं है। ऐसे ही पुरुष, वो भी अगर ऐसा करे तो फिर स्त्री जान जाती है और पुरुष भी जान जाता है। इसलिए एक ही भक्ति करना, ये वाक्य मैं हजारों बार बोल चुका हूं। दुनिया में दो नास्तिक है, एक नास्तिक है एक महानास्तिक है। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझता, वो बालक की तरह समझा और समझ जाएगा। महानास्तिक वो है जो कह रहा है सबको मानते हैं, सबको पूजते हैं, सबको देख, महानास्तिक है। इसलिए आपको मैंने दूसरी बात क्या बोली, एक ही परमात्मा की उपासना करना, ये जरूरी था। एक बयान में दुई खड़क देखा सुनो ना कहा, तीसरा वर्जित किया आपको, लोग भूल कर रहे हैं फिर वो परेशान हो जाएंगे। क्या वर्जित किया? टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत टोना टोटका आदि नहीं मानना। आपको सुरक्षित कर दिया है। अभी पहले जब COVID-19 फैला, जिसको हो जाता था मर जाता था, और मृत्यु दर क्या थी 98.57%, यानी 200 आदमी में सिर्फ दो आदमी बचते थे, तीन आदमी बचते थे, जिसको कोविड हुआ वो मर जाता था। अभी नहीं, अभी रिकवरी रेट है 98 कुछ बच जाते हैं। इसमें जिनको कोविड हुआ था कृपा करके हाथ खड़ा करें। देखिए काफी लोग हैं बच गए। इस तरह आपको सतर्क रहना है, इन चीजों को आप नहीं मानना है। आपको नाम दे करके प्रिजर्व कर दिया है। अब ये टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र नहीं लगेगा, लेकिन पूरी दुनिया बहम में है। आपको कौन भटकाएगा वो सुनो, आपके नियर और डियर वो भटके हुए हैं। आपके लड़के को कहीं थोड़ा सा, लड़के बच्चे हैं ना, वो ठंड का ध्यान रखते हैं ना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो फूफू आकर बोलेगी, अरे भैया नजरिया गया है तुम्हार लड़का, अब जाओ ओझा से झड़ाई फुकाई कराओ। यही वर्जित किया, ये नहीं करना। कहीं पशु आपके दूध नहीं दिए तो भी कहेंगे ऊपरी नुक्सबा, ऊपरी कौन ब्रह्मा जी, उसका दूध सुखा रहा है क्या? अरे खान पान में कमी बेसी आ गई तो पशु फिर दूध नहीं देते। इस तरह इन झांसों में नहीं आना, आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। तभी तो साहब कह रहे हैं कह कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो, उससे सावधान रहना।
पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। पहले ओझा तांत्रिक आदमी को पागल करते। मेरे पास दो दिन पहले एक हमारा सत्संगी आया, अपनी नई नवेली दुल्हन को ले आया। कहा इसके सर में तकलीफ है और बदहवास हो जाती है। मैंने कहा शादी किए कितना टाइम हुआ? बोला महीना 15 दिन हुए। मैं उस लड़की की तरफ गौर से देखा। मैंने उसको पूछा क्या पहले ओझा तांत्रिकों के चक्कर में थे? अब ओझा तांत्रिक क्या करते हैं, आदमी को पहले चौकी दिलाते हूं, जब आदमी यूं करेगा तो अच्छे भले की तौबा हो जाएगी, स्पिनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाती है, पहले आधा पागल कर देते हैं, ठीक है। अब वो कबूले नहीं। मैंने कहा घर में कोई तुम्हारे यहां किसी ओझा और पीर फकीर को मानते हैं क्या? बोला मैं नहीं मानती हूं लेकिन घर वाले मानते हैं। सब मिलाकर आप इनके चक्कर में नहीं पड़ना। वासुदेव कृष्ण ने रामायण में भी इसको वर्जित किया है, ठीक है, और श्रीमद् गीता में भी इसको तामस भक्ति करते हैं, कहते हैं। आज तामस भक्ति लोग कर रहे हैं, निर्गुण भक्ति भी नहीं कर रहे, सर्वगुण भी नहीं कर रहे, तामस भक्ति कर रहे। पूरा समाज इसी में उलझा हुआ है। कोई डोरा बांधे घूम रहा है, कोई ताबीज बांधे घूम रहा है, कोई काला टीका लगाए घूम रहा है, कोई कुछ करके घूम रहा है, कोई हाथ में डोरा बांधे घूम रहा है। आप देखो यहां साहब ने एक शब्द खूब कह दिया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई। अब सवाल उठा, आपको सुरक्षित कर दिया है, सदगुरु शब्द सहाय निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाए, अठवन पठवन दृष्टि न लागे अठवन पठवन दृष्टि न लागे, आपको टोना टोड़ करने लगे। हो जा डायन डर और डर पे जहर जुड़ हो जाए, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। आपको ये शक्तियां नहीं लगेगी नाम के बाद, बस आपको लाइन से हटाने की कोशिश करेंगे। यही है निरंजन के दूत, आप उससे सावधान रहना। ये तीन बात पहले बोली। और तीन बात नामदान के बाद बोली। पहले आपको बताया गुरु मंत्र कैसे करना है, आपको रिपीट कराया। दूसरा बोला सुमरण कैसे करना है, और तीसरा बोला ध्यान कैसे करना है, मुद्रा कैसे लगाना है। ये 6 चीजों से आपको मेरा संपर्क स्थापित, इनको दिमाग में रखना हमेशा। ग्रह कार्य में ग्रह काजा नाना जंजाला, गृहस्थ आश्रम में बड़े जंजाल हैं, लेकिन तो भी सुमरण के लिए समय निकालना, एकांत पाकर के ध्यान में बैठना, मन की हरकत को देखना। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई सूत न लगे बिलावना सहजे अति सुख होए। बस अगर आप इस पर भी चल रहे हैं पार हो जाओगे। नियम का उल्लंघन नहीं करना, 3 इंच चौड़ी पटरी पर रेल का पहिया 200 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ता है, नीचे नहीं जाता। पहिए में व्हील गार्ड लगे हैं,
जो पटरी से उतरने से रोकते हैं। नाम के बाद एक शक्ति आपको हर पाप से बचाने की कोशिश कर रही है। आपको हमेशा लगेगा एक ताकत आपके साथ है, बस आप उसका पालन करना, काम बनता जाएगा। यही गृहस्थ आश्रम के लिए साहब बोल रहे हैं। और आपके पास नाम के बाद शक्ति आएगी। विशेष लक्षण सत्य वचन प्रथम का द्वितीय दया बताए, तीजो तब चौथे शोचि, दोनों बांध कराए, बाहर जल से शौच कर, अंतर ज्ञान के द्वार, पंचवे तत्स्या इच्छा खट सत्य सत्य निर्वार, सप्तम शमदम अष्टवे नवम अहिंसा होए, ब्रह्मचार्य दशमे का त्याग एकादश होए। यानी ये ब्रह्मचार्य हर उम्र में जरूरी है, हर उम्र में। और अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहेब का ही खफा। भाइयों बहनों, जब तक जीवन है मन का उधेड़ बुन चलती रहेगी, बस काजल केरी कोठरी कबरा ये संसार, बलहारी तें पुरुष की जो पेट निकल गया पार, स्मरण करते रहना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है साहेब।